एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर निष्कासन उनका किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है पवन सिंह, एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर उनका पार्टी से निष्कासन हुआ है। और स्वाति मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। स्वाति, पूरी खबर बताइए। देखिए, पवन सिंह को सबसे पहले बीजेपी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, आपको याद होगा। लेकिन जो उनका जीडीपी था, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस ने उनको घेर लिया था, उसके बाद पार्टी ने फैसला लिया, पवन सिंह का टिकट काटा गया। और उसके बाद पवन सिंह ने तय किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह बिहार के काराकट से चुनावी मैदान में है, और पवन सिंह ने पार्टी के खिलाफ जो गतिविधि की है उसी को लेकर ये एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है। और जो पत्र जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि एनडीए के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो काराकट सीट है बिहार में, जहां से चुनावी मैदान में है पवन सिंह, और वहां एनडीए की प्रत्याशी पहले से है। तो ऐसे में पवन सिंह ने पार्टी विरुद्ध ये कार्य किया है, इसी वजह से ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। और उनको जो है वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी पवन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनको बीजेपी ने निकाल दिया है पार्टी से। और भोजपुरी के स्टार है पवन सिंह, काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं स्वाति, लेकिन पार्टी ने ये फैसला किया है क्योंकि पार्टी गतिविधि के खिलाफ उन्होंने जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, और इसी वजह से बीजेपी ने फैसला किया है कि पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बिल्कुल, तो ये अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है पवन सिंह के खिलाफ, जानकारी दे रही थी स्वाति। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है और बड़ा का पवन सिंह के लिए, एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे जिसके बाद पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने पवन सिंह को निकाल दिया है। वहीं आगरा में आपस में भिड़े जेई और कांग्रेस प्रत्याशी।